नमस्कार। आप जैसा आप सभी को ज्ञात है, एम्स भोपाल मध्य भारत में देहदान प्राप्त करने का एक अग्रणी संस्थान है। और ये जो देहदान हम आपसे प्राप्त कर पाते हैं, यह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है, जिसको हम एनाटॉमी एक्ट कहते हैं। और उसी प्रक्रिया जो शुरू हुई हमारे आज़ाद भारत में, आज़ाद हिंद में, ये 1949 से एक्ट बनने शुरू हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे सभी स्टेट्स अपना अपना एक्ट बनाते गए। एनाटॉमी एक्ट हर स्टेट का अपना होता है, तो हर स्टेट बनाता गया। कुछ स्टेट्स ने ही इसमें समय के साथ संशोधन किए। अब जैसे आप समय बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। पहले जो हमें बॉडीज मिलती थी, ज्यादातर अनक्लेम्ड बॉडीज मिलती है। अब हमारे अंदर जागरूकता बहुत बढ़ गई है, तो सब स्विच कर गए बॉडी डोनेशन की तरफ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ह्यूमन एंगल है इस सब में, कि डिग्निटी और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए जो भी प्रोसेस हो। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम सब ने, मतलब हमारे विभाग से हम तीन जनों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया कि हम इस कानूनी प्रक्रिया को और सहज करेंगे, सरल करेंगे, कन्वीनियंट करेंगे और ट्रांसपेरेंट करेंगे, जिससे देहदानियों को सुगमता हो, आसानी हो। नित नए मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं और समय के साथ हमारे जो माँ बाप हैं वो घरों में अकेले रह जाते हैं और बच्चे दूर दराज इलाकों में नौकरी करने चले जाते हैं। अब माता पिताओं का मन है कि वो देहदान करें। इसी प्रोसेस को कैसे और ज्यादा सुगम बनाया जा सकता है, इसी के लिए हमने ये एक्ट पे वर्क किया और ये हमारा एक्ट पब्लिश हुआ है एक विख्यात जर्नल में, PNC मेडिकल एथिक्स में। और इसको प्रिंट मीडिया में भी बहुत सराहना मिली है, इसको एक अवार्ड भी मिला है। तो यह आपको बताते हैं कि यह एक्ट कितनी मेहनत से तैयार किया गया है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सारे प्रदेश में जितने भी एक्ट थे सबको हमने इकट्ठा किया, उसको क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी किया। 450 जो अपने देश भर में मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे जितने भी एनाटॉमिस्ट हैं, सबसे हमने परामर्श किया, सुझाव लिए। दुनिया भर में जो गुड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस जिनको कहा जाता है देहदान की, उसको हमने अडॉप्ट किया। मैंने बताया आपको ट्रांजिशन हो रहा है अनक्लेम्ड बॉडीज से डोनेटेड बॉडीज की तरफ, तो ये इसका मेन रीजन है कि हमें यह कानूनी प्रक्रिया में यह संशोधन चाहिए। और पॉलिसी मेकर्स का भी हम यही ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि चूंकि हमारा सोशल फैब्रिक चेंज हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसी कारण इन एक्ट में अमेंडमेंट्स होना, बदलाव होना या एक समान प्रक्रिया का एक जैसा एक्ट पूरे भारत में लागू होना बहुत जरूरी है। जैसा कि ह्यूमन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है, उसी तर्ज पे पूरे देश में एक जैसा एनाटॉमी एक्ट हो, जिसमें हर चीज हर किसी की कन्वीनियंस हो, वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो, हर किसी के लिए सर्विसेज एक्सेसिबल हो, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो और पूरे देश में एक जैसी हो।